गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम कक्षा 2 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 6 सर्वनाम। बच्चों इससे पहले हमने पाठ 5 में संज्ञा पढ़ी थी। संज्ञा का अर्थ क्या है? नाम। संज्ञा की परिभाषा थी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हमने संज्ञा के तीन भेद बताए थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये तो हो गई संज्ञा। आज हम सर्वनाम यानी सब नामों के बदले बोले जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्व का अर्थ होता है सब नामों के, जो सब जगह हम शब्द जो शब्द प्रयोग करेंगे उसे सर्वनाम कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो शब्द सबके लिए बोले जाते हैं और बार बार नाम ना बोलना पड़े, यानी किसी चीज का हम बार बार नाम ना आए उसके स्थान पे हम क्या करें? सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। यानी जब हमारे पास कोई जैसे कहानी होती है, कोई वाक्य होता है, तो उसमें हम किसी चीज को बार बार ना लेते थे, उस वाक्य को रोचक बनाने के लिए हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। उस कहानी को हम मतलब सरल बनाने के लिए, उसकी भाषा को हम सरल बनाने के लिए हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे सर्वनाम की परिभाषा इसमें है, संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मैंने आपको संज्ञा की परिभाषा बताई थी कि नाम, संज्ञा का अर्थ क्या बताया था कि नाम। अब यहाँ पे है कि नाम के स्थान पर यानी नाम की जगह पर हम बोले जाने वाले जो शब्द होते हैं वो शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। यानी हमें नाम के स्थान पे हमें सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे यह, यानी हमें नाम के जगह पे क्या लेना है? यह, वह, मैं, तुम, हम, वे, उसका, उसकी, हमें आदि, मतलब इसमें बहुत सारी चीज हो सकती है। आप भी हो सकते हैं, तुम भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, कुछ हो सकते हैं, कौन भी हो सकते हैं, ये सारे क्या है? सर्वनाम शब्द है। अब आप बोलेंगे इसमें उदाहरण है। अब आप उदाहरण देखिए कि इसमें मैंने इसकी परिभाषा बताई है कि संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे श्याम अच्छा बच्चा है, यहाँ पे श्याम क्या होगा? श्याम क्या होगा? संज्ञा। श्याम क्या है? संज्ञा। अब हमने ऊपर परिभाषा पढ़ी है कि संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पे श्याम अच्छा बच्चा है, सही है, एक बच्चा है, और दूसरा इसी में ये शब्द है, ये वाक्य है कि श्याम रोज स्कूल जाता है, यानी श्याम क्या करता है? रोज स्कूल जाता है। फिर है श्याम के पिताजी डॉक्टर है। अब हम ये तीनों बार बार ये शब्द आया है, तीन बार ये शब्द श्याम आया है, श्याम आया है, तो चलो ऊपर तो हम संज्ञा है, यहाँ पे भी संज्ञा आई है, यहाँ पे भी संज्ञा आई है। अब हमने परिभाषा में क्या पढ़ा है कि संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब हमने बार बार ये शब्द को श्याम ना लेते हुए यहाँ पे हमने क्या लेना है? यहां से हमने सर्वनाम शब्द लेना, इसके स्थान पे हमें सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है। अब क्या है सर्वनाम? क्या आएगा? ऊपर तो है कि श्याम अच्छा बच्चा है, अब क्या है कि यहाँ पे था कि श्याम रोज स्कूल जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? वह रोज स्कूल जाता है। तो अवे ना हमारे संज्ञा के स्थान पे वह सर्वनाम शब्द, ठीक है। अब है श्याम के पिताजी डॉक्टर है। अब हमने श्याम के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है, तो
इसमें क्या आएगा? उसके, उसका, उसकी, ये सारे सर्वनाम शब्द है। तो क्या आया कि उसके पिताजी डॉक्टर हैं, यानी तीनों शब्दों का क्या हुआ है कि उसके पिताजी डॉक्टर हैं। तो देखिए बच्चों, इस वाक्य में तो हमने सर्वनाम का प्रयोग ये किया है, यहाँ पे वह करा है, यहाँ पे हमने वह करा है, यहाँ पे हमने उसके करा है, ठीक है। अब आगे सेकंड जो हमारा उदाहरण है कि राम और श्याम गेंद खेल रहे हैं। अब यहाँ पे राम और श्याम दोनों क्या है? संज्ञा है। दोनों क्या है? राम भी नाम है, श्याम भी नाम है, ये दोनों क्या है? संज्ञा है। अब हमने संज्ञा के स्थान पे जिस तरह से हमने सर्वनाम का प्रयोग करा है, उसी तरह से हमने इन दोनों नाम के लिए हमने, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि सर्वनाम वो शब्द होते हैं संज्ञा के स्थान, मतलब किसी वाक्य को हम सरल बनाने के लिए उसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमने राम और श्याम की जगह हमने क्या करना है? वे, मतलब वो दो लोग हैं, वे दोनों मैच खेलेंगे। तो देखो बच्चों, आपने दो नाम की जगह हमने केवल एक ही शब्द का प्रयोग करा है, यह है व्यवहारक है, एक ही सर्वनाम शब्द का प्रयोग करा है। अब हम इसको लंबा करके लिखते थे कि राम और श्याम मैच खेलेंगे, तो उसको बार बार राम भी ऊपर आया था, श्याम भी ऊपर आया था, इन दोनों के लिए हमने एक वह शब्द, छोटा सा शब्द का प्रयोग करा है, मतलब वाक्य को सरल बनाने के लिए हमने सर्वनाम शब्द का प्रयोग करा है। तो ये आपने देखा होगा कि किस तरह से संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है। आपने सर्वनाम की परिभाषा समझ ली होगी कि संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, मैं, तुम, हम, वे, उसका, उसकी, हमें आदि, या उसके भी हो सकता है। फिर हमने इसके उदाहरण समझाए हैं कि श्याम एक संज्ञा है, अच्छा बच्चा है, यानी श्याम एक अच्छा बच्चा है। अब श्याम के स्थान में यहाँ पे भी श्याम था, तो श्याम के स्थान पे हमने सर्वनाम का प्रयोग करा है, ठीक है। फिर इसमें था कि श्याम के पिताजी डॉक्टर है, तो इसके स्थान पे हमने क्या करा है कि उसके पिताजी डॉक्टर है। फिर सेकंड एग्जांपल था कि राम और श्याम, मतलब इन दोनों संज्ञा के, संज्ञा शब्द के लिए हमने सर्वनाम वह शब्द का प्रयोग करा है, जिसके हमारा सरल सा वाक्य बने कि वे दोनों मैच खेलेंगे। धन्यवाद।